तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो गाइज, आप लोग का स्वागत है इस ब्लॉग चैनल में। तो और आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि दीपक का बर्थडे है, हम लोगों ने रात को केक सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो अभी हम लोगों ने केक मंगाया है। फिर हम लोग बाहर जाएंगे कुछ पीने के लिए, पार्टी के लिए खा तो नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा है छठ पूजा, तो इस वजह से हम बाहर का भी लहसुन का कुछ खा नहीं सकते, तो बस शेक वेक सब खुआ के आ जाएंगे। तो भाई दीपू आज काम पे गया था, बेचारे का मूड ऑफ हो गया है। दीपू मूड नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले और बेचारे के बंदे का मूड ऑफ हो गया। तो गाइज, हम लोग लेके आ गए हैं केक, जोमेटो से मंगा लिया है केक दीपू के लिए, और इसमें कैंडल और वो मंगाया था, पर वो अभी साथ में आया नहीं। शायद अंदर होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद देखते हैं केक का टेस्ट कैसा है। नहीं तो गाइस, ये दीपू भैया का केक आ गया है, चॉकलेट मैंने बोला था देने के लिए, वाला टेक भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वापिस बजाओ। तो गाइस, आप देख सकते जोमेटो ने बहुत गलत ही दिया, देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्टफिंग्स कुछ भी नहीं है केक में, मज़ा नहीं आया केक में, पैसा बर्बाद और ना बर्थडे का 400 रुपये केक और कुछ भी नहीं है इसमें, सही में इसमें तो ऐसे उसको अभी फ़ोन करना, फिर उसको फ़ोन कर कि भैया जैसे केक देखा था ना, तो वैसे केक है ना, कोई बात है हाथों हाथ रिटर्न। पानी लाओ ना भाई। हाँ जी, दीपू पानी केक। दीपू भैया, जो हम लोगों ने केक ऑर्डर किया था वो केक आया नहीं, और उसकी जगह दूसरा केक आया, तो हम लोगों ने जोमेटो से वापस रिफंड ले लिया है। तो गाइस, जोमेटो को थैंक्स। जोमेटो थैंक्स नहीं भाई, मूड खराब कर दे, मतलब केक इतने मुश्किल से मंगाया था पर वो केक अच्छा नहीं आया, तो वो तो वो बेकरी वाले की गलती है। हाँ, तो हमारा रिफंड भी वापस आ चुका है, वैसे जोमेटो से हेल्प ली थी तो रिफंड वापस आ गया। चलो फिर उसके बाद केक वेक काट के चलते हैं घूमने, और आज दीपू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये लोग आए बस, वाह 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 गणा। तो लगा दो भाई कैंडल भी, देखो अच्छी जल्दी जल्दी जल। अरे फोटोज के लिए पूछ फोन ले, अपना पूछ फोन ले, फोन ले, चलो 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 क्या। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू दीपू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माची दे, माची निकलवाना बेचारे से, माची दे, माची देने सुन लिया। क्या हो, क्या चला गया, चला चला सा ना, खराब है टेस्ट, चाची केक पसंद नहीं। क्या हुआ, क्या मैंने एक आगा भाई बोल गया, बहुत उछल गया ये, आप तीनों के लिए दीदी का बहुत उछल गया, दे 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 ये कड़वा नहीं है, जिसके नीचे डार्क चॉकलेट काला है ना, और ले बाकी इन लोगों को भी खिला दे, ले लोगों को खिला दे, देखो ले, आ जाओ आ जाओ, एक एक करके आ जाओ सब ले। अरे फोटोज वगैरह तो खुश है, इनका मुंह का पूरा ये जो सूर्य वीडियोस बनाने में लगा हुआ रहता है यार, फोटो शूट बहुत चलेगा। Yeah.
रहे भैया बम फोड़ रहे तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर पार्टी मनाने और दीपू के देर लगा हुआ है क्या नहीं तो वाइट लग रहा है। तो गाइस हम लोग बाहर जा रहे हैं शेक वेक पीने के लिए और मजे करके आएंगे भैया। दीपू का बर्थडे है और अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए टाइम भी ऐसे टाइम पे दीपू का भी बर्थडे भी आया है। तो है गाइस अभी हम पहुँच गए हैं बस मेरी पीरी चलते चलते बातचीत करते आ रहे थे और बस पहुँच गए हैं मेरी पीरी और आज यार दीपू का मन थोड़ा सैड था पर कि दीपू का हमेशा अक्टूबर महीना हमेशा ख़राब जाता है क्योंकि आधे टाइम ही बीमार हो जाता है अक्टूबर महीने में और शायद हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी पीरी बंद है, भगवान करे खुली रहे, शायद बंद हो सकती है, पता नहीं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए थे अशोक वाटिका और हम मेरी पीरी गए थे पर वो दुकान हो गई थी बंद। तो हम लोगों ने ली है कौन मैंने लिए है ये अमूल की है अमूल वाली कैंडी अमूल खाओ अमूल हो जाओ। पकड़ दीजिए निकालते इसको पूरी जोरदार चॉकलेट भरी हुई स्टफिंग के साथ मस्त। अंटा के कहाँ तक जाना तो करती है। तो गाइस ये रही अपनी अमूल चॉकलेट अच्छी है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आइसक्रीम वाइसक्रीम खा कर और दीपू ने मोमोज वोमोज खा लिया है क्योंकि हम देखेंगे तो मेरी पीरी बंद थी और नो गरम ठंडा हाँ ये काढ़े गरम ठंडा खाता है तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसलिए गरम ठंडा नहीं खिलाया। मैंने खा लिया आइसक्रीम और मोंटी ने मोमोज वोमोज खा लिए हैं वैसे इसकी तबीयत ठीक रहे। तो गाइस अब और आगे ज़्यादा बताने के लिए और कुछ है नहीं। तो गाइस ये वाला ब्लॉग हम लोग यहीं पे भाई रास्ते में दारू मिल जाए तो मज़ा एंडिंग करेंगे। तो गाइस अगर आपको दीपू का बर्थडे वाला ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।